गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी में चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, मीनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मीनिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मीनिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज़ द स्टेटमेंट दैट शो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिकॉर्ड या अंडर रिपोर्ट। मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम अपना फ्लो ऑफ कैश का, बिजनेस का जो होता है वो बताते हैं, या कैश इक्विवेलेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में होना चाहिए। अब आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दीज आर दोज एक्टिविटी प्रिंसिपल्स, रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जितनी भी रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिगार्डिंग जितनी भी होती हैं, वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी of acquisition and disposal of long-term assets, other investment that are not investing and financing। मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिस वो होती हैं जितनी भी हमारी परचेज या सेल होती है हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रिफरेंशियल कैपिटल इन केस बोरिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। इन केस ऑफ किसी भी कंपनी में जितनी भी हम फाइनेंस से रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? जिसमें फ्लो ऑफ कैश, कोई भी बिजनेस का फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो हम अकाउंटिंग पीरियड में हम करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन की नॉलेज लेना। इसमें 3 एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग। सबसे पहले एक्टिविटी आती है ऑपरेटिंग, जिसमें हम जितने भी प्रोडक्शन से रिगार्डिंग है, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट हो रही है या कोई भी प्रोडक्शन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का है, वो सारी चीज़ें, जितने भी प्रपोज डिविडेंड है, करंट डिविडेंड है, इंटरमीडिएट डिविडेंड है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। करंट एसेट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट किस पे डालेंगे? ऑपरेटिंग। जो इतना भी प्रोडक्शन या रिवेन्यू से रिगार्डिंग है वो सारी हमारी ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग होती है, इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग सेल एंड परचेज, जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जितनी भी हमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे रिडेम्पशन होते हैं या इशू होते हैं, वो सारी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें आती है। अब हम इसका फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। अब आपको ये पूरा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से सीखने के लिए। आपकी टी एस ग्रेवाल की बुक पेज नंबर 5.15 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इसमें फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2 मेथड से होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोल्ड में आता नहीं, इनडायरेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट मेथड से ही हमें क्वेश्चन करना है। फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd, एज पर द ईयर डाला जाता है और इधर लिखा जाता है सबसे पहले पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब सबसे पहले आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आएंगे आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसकी हम सारा वर्किंग नोट्स में देखेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपका कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आप एडजस्ट क्या कर दोगे, डालोगे हेडिंग नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर। एडजस्टमेंट क्या होगी? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जितने भी हैं। क्या क्या आइटम्स ऐड होंगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऐड होगा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज ऐड होंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, कैश कैरेट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड डिबेंचर्स, ये सब ऐड होंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सब भी ऐड होंगे एडजस्टमेंट फॉर्म में, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी ऐड होगा। और क्या क्या आइटम्स डिडक्ट होंगे?
इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारे आइटम्स हमारे डिक्रीज होंगे। उसके बाद हमारा निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम जितने भी हमारे जो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन अभी मैं लास्ट में बताऊंगी कैसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट के बाद जितने भी हमारे आइटम्स ऐड करने के होंगे वो हम ऐड कर देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट हो गए, लॉस हो गया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट इन प्रोविजन डाउटफुल डेट, और जितने भी आइटम डिडक्ट करने वाले हैं जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये सारे आइटम्स हम लेस कर देंगे। फिर उसके बाद ये निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन डब्ल्यू कैपिटल निकलने के बाद, वर्किंग कैपिटल निकलने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद हमारा ई पॉइंट आता है डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, हमें पता है करंट एसेट्स हमारी क्या होती हैं, जो भी अगर वो डिक्रीज हो रही हैं जब हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर का प्रेजेंट ईयर से करंट ईयर से, तो अगर वो डिक्रीज हो रही हैं, घट रही हैं हमारी लास्ट ईयर से करंट एसेट्स, तो हम वो ऐड कर देंगे, और हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो हम ऐड करेंगे। जस्ट इसमें करंट लायबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है और करंट एसेट में इनडायरेक्ट होता है, मतलब अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो ऐड होनी है, और करंट लायबिलिटी अगर डाउन हो रही है तो वो माइनस होनी है, सब्ट्रैक्ट होनी है, तो वो वैसे ही रहेगी। लेकिन एसेट के केस में चेंज है, अगर डिक्रीज हो रही है करंट एसेट तो वो ऐड करेंगे, और इंक्रीज हो रही है करंट एसेट तो वो माइनस करेंगे। जैसे इसमें देख लेते हैं, जितने भी डिक्रीज इन स्टॉक हैं, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स या फिर हमारे बिल रिसीवेबल हैं, डिक्रीज इन एक्यूरेट इनकम है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें हमारी ऐड हो जाएंगी, या इंक्रीज इन पेबल्स हैं, बिल्स पेबल कैरेटर्स, या इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, या इंक्रीज एडवांस इनकम है, ये सब ऐड हो जाएंगी। और सबट्रैक्ट क्या क्या होगा, जितने भी हमारी इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जैसे इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, इंक्रीज इन एक्यूरेट इनकम, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, डिक्रीज इन पेबल्स कैरेटर्स, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिक्रीज इन एडवांस इनकम, ये सब हमारे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा निकलेगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन में हम जितने भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये जितने भी हमारे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये सारे आइटम्स ऐड हो जाएंगे, और जो सबट्रैक्ट का है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये सारे आइटम्स हमारे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर अगर हमारा कोई इनकम टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में कि हमने कोई टैक्स देना है, पे करने का है, तो वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर मेड है टैक्स मेड, तो वो हमारा कहाँ जाता है, नेट ऊपर जाएगा, नेट प्रॉफिट की तरफ ऐड करेंगे उसे हम, और पेड की बात आ रही है तो हम उसे यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे। फिर कैश हमारा, अब जब हम तीनों एक्टिविटी के, मतलब जो हमारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा। जो हमने मतलब कैश जब हम अब ये जितने भी हमारे आइटम्स आए, नेट प्रॉफिट, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारा टैक्स पेड है तो वो माइनस कर देंगे, टैक्स मेड है तो वो ऊपर ऐड हो जाएगा। और टैक्स पेड माइनस करने के बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर प्लस में आंसर आ रहा है, और अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो कैश फ्लो यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसी सेम फर्स्ट एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में हमारा कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हम इसमें नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद जितने भी आइटम हम एडजस्टमेंट फॉर डालेंगे, एडजस्टमेंट फॉर में जितने भी आइटम ऐड वाले हैं ऐड करेंगे, सबट्रैक वाले सबट्रैक करेंगे, ये सब हमें याद करना पड़ेगा पूरा चार्ट, तभी हमें ये क्वेश्चंस हो पाएंगे इसके अच्छे से कवर अप। फिर उसके बाद जितने भी हमारी ऑपरेटिंग आप स्टूडेंट्स ये याद कर लेंगे फॉर्मेट, तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, और अच्छे से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकेंगे। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकलेगा, फिर उसके बाद इसमें आप ऐड करोगे जितनी भी आपकी डिक्रीज हो रही हैं,
करंट एसेट और इंक्रीज़ हो रही है करंट लाइबिलिटी, और सबट्रैक करोगे जितनी भी इंक्रीज़ हो रही है करंट एसेट और डिक्रीज़ हो रही है करंट लाइबिलिटी, ये आप सबट्रैक कर दोगे। फिर इससे आपका कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, और इसमें आप जो भी आपका इनकम टैक्स पेड हो रहा है वो आप सबट्रैक कर दोगे। टैक्स मेड है अगर तो ऊपर ऐड करोगे। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है, नहीं दिया होता तो हम इसके लिए टैक्स अकाउंट बनाते हैं, तो वो अकाउंट भी मैं आपको सिखाऊंगी। फिर इसमें आपका अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भी लिखा जाता है इनकम टैक्स माइनस करने के बाद आपका लिखा जाएगा टैक्स फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर पॉजिटिव में है तो आप लिखेंगे इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, और अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे सब में करते हैं, इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर हमारी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो रही है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है, या सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट हो रही है, हमारी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहे हैं, अब जब हमारे पास कोई चीज़ सेल हो रही है तो वो हमारी पॉजिटिव हुई, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कोई भी सेल हो रहा है तो हमारे पास कैश आ रहा है, प्लस है। कोई भी इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास प्लस है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट को ये बढ़ा रही है। परचेज कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो पैसा जा रहा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट सबट्रैक्ट होगी। कोई भी परचेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल तो हमारी ये सारी सबट्रैक्ट होंगी। इंश्योरेंस क्लेम हो रहा है मशीनरी सबट्रैक्ट होगी, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है हमारे पास से। अब आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें, जितने भी इशू हो रहे हैं शेयर एंड डिबेंचर्स, ये हमारे फाइनेंस को पॉजिटिव कर रहे हैं। और अगर हमारे परचेज हो रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। सेल हो रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो पैसा आएगा प्लस। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है बैंक ओडी या कैश क्रेडिट, तो अभी हमारा प्लस होगा। पेमेंट कर रहे हैं फाइनल या पेमेंट कर रहे हैं इंटरमीडिएट, तो सबट्रैक्ट होगा। किसी भी चीज़ का पेमेंट हो रहा है, पैसा जा रहा है। रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, रिडम्पशन हो रहे हैं डिबेंचर ऑफ शेयर्स, या पेमेंट हो रहा है बायबैक ऑफ शेयर्स का, तो ये सारी चीज़ें हमारी सबट्रैक्ट हो जाएंगी। अब आती है बात नेट इंक्रीज़ डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। पॉजिटिव में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेगेटिव में आएगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग, या ऐसी इसमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में, और अगर नेगेटिव में आएगा तो कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें देखेंगे तीनों एक्टिविटी को, अगर इंक्रीज़ में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव में है और इंक्रीज़ कर रही है हमारे कैश फ्लो को, तो लिखेंगे नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर हमारी सारी चीज़ें डिक्रीज़ में है सबट्रैक्ट, तो हम लिखेंगे कैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों एक्टिविटी को ऐड करके। अब हमें इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये फ़ायदा होता है कि इसमें आंसर भी चेक हो जाता है। जब आपका आंसर आ जाएगा फाइनल क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे हमें कॉन्सेप्ट। अभी तो इसमें आपका ये है सबसे पहला होमवर्क, आप इस फॉर्मेट को लर्न करिए अच्छे से। जब ये फॉर्मेट आपको लर्न हो जाएगा तो क्वेश्चंस भी आपको इजीली आ जाएंगे इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बोल्ड में इसका कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, तो इसलिए अच्छे से सीखिए। और फिर कैश इन हैंड जितने भी हैं, या कैश एट बैंक, या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, या करंट इन्वेस्टमेंट, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जितनी भी दे रखी हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्वेश्चन में दी होंगी, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे। और जितनी भी हमारी एंड ऑफ द ईयर की 2 ईयर्स दिए होते हैं, 18 और 19 में हमें कंपैरिजन करना होता है, उसका हमें कैश फ्लो बनाना होता है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो आपका अमाउंट आएगा, वही अमाउंट आपका जो आप नेट इंक्रीज और डिक्रीज़ का होगा, वही ऐड करके आपका एंड ऑफ द ईयर का आंसर निकल के आ जाएगा। तो इससे आपका पता चल जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बना है या गलत है। अब कैश फ्लो एंड ऑफ द ईयर में भी जितने भी ये सब आइटम्स हैं वो ऐड कर देंगे, तो इससे आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पता चल जाएगा। जो आपको क्वेश्चन में आंसर दिया होता है वो ये आंसर निकल के आ जाता है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। मेनली वर्क आपका ये है, आपको ये लर्न करना है पूरा चार्ट। अब देख लेते हैं हम कि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन या वर्किंग नोट उसका कैसे होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज टैक्स एंड टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को।
आपका जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, सबसे पहले आप वो उतारेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे जितने भी जनरल रिजर्व है, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व जितने भी है, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर के, जो आपका प्रेजेंट ईयर, आपको पता है 18 एंड 19 की बात है तो 19 आपका करंट ईयर होगा, 18 आपका प्रीवियस ईयर होगा, जो भी आपके प्रपोज करंट ईयर के हैं, इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने इस ईयर पे करे हैं, मीन्स जो आपके इस ईयर के हैं, मीन्स 19 के जो हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, जो भी आपका इस ईयर का है, ये जो मैं टैक्स पेड और मेड की बात कर रही हूँ, तो टैक्स पेड तो आपका माइनस हो जाता है, टैक्स मेड आएगा इधर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप ऐड कर दोगे, अगर आपका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ यहाँ पे हम ये लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, और अगर माइनस में आ रहा है तो नेट लॉस। और हमारे अगर कोई स्टेटमेंट आपका टैक्स रिफंड वाले हैं, हम टैक्स पेड जितने भी होते हैं वो यहाँ पे सबट्रैक्ट नहीं दिखाते, आप दिखा सकते हो यहाँ पे भी सबट्रैक्ट करके, तो आप फाइनल आंसर लिखोगे, तो आप नीचे माइनस नहीं करोगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगर टैक्स पेड को माइनस नहीं कर रहे हो तो आप जैसे मैंने अभी पीछे बताया था प्रीवियसली वैसे माइनस करके दिखाओगे, एक जगह लेना है टैक्स पेड या तो वहाँ माइनस करो, अगर आप लास्ट में माइनस कर रहे हो तो यहाँ माइनस नहीं करेंगे, ये अगर यहाँ माइनस करना है तो लास्ट में माइनस नहीं करेंगे, सिंपल सा फॉर्मेट है ये, याद करना पड़ेगा पूरा चार्ट, बिना चार्ट याद करे क्वेश्चंस नहीं होने वाले। नेट प्रॉफिट के लिए आपको ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी होती हैं, धीरे धीरे आपको मैं एक एक एक्टिविटीज़ क्लियर करती चली जाऊँगी, ऑपरेटिंग के आपको 3-4 न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी, इन्वेस्टिंग के 3-4 एंड फाइनेंसिंग के 3-4, बाकी प्रैक्टिस करिए, फॉर्मेट लर्न करिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चैप्टर बहुत इजी है। देन उसके बाद मैं आपको तीनों के कंबाइंड, तब आपको ये पूरे फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। वही चीज़ें हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी थ्योरी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती हैं, फाइनेंसिंग क्या होती हैं, आपका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चार्ट दे रखा है, नेट प्रॉफिट में आप जितने भी आपके डिफरेंस, मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है मैंने अभी आपको समझाई है, वो सारा आपका फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसमें आप जितने भी ट्रांसफर ऐड करेंगे, जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, प्रपोज डिविडेंड हैं नेट प्रॉफिट में, इंटरमेंट डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर्स हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है, ऐड हो जाएंगे सारे आइटम्स, और जितने भी टैक्स पेड हैं वो आप माइनस कर देंगे, एंड ऐड करेंगे आइटम जितने भी आपके डेप्रिशन प्रीमियम एक्सपेंसेस हैं, या गुडविल या राइट ऑफ हो रही है कोई भी चीज़, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब माइनस, ये सब ऐड हो जाएंगे हमारी। अब माइनस की बात कर लें तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब सबट्रैक्ट हो जाएंगी, इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद हमारी जितने भी डिक्रीज हो रही हैं करंट एसेट या इंक्रीज हो रही हैं हमारी करंट लायबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, देन कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आएगा, इनकम टैक्स पेड हो रहा है तो वो हम माइनस कर देंगे, देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सब निकल के आएगा, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी। देन हमारे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितनी भी हमारी परचेज है तो वो हमारी माइनस होगी, और जितनी भी हमारी सेल है वो हमारी ऐड हो जाएगी। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो उसमें भी आपका यही है, जितने भी आपके फाइनेंस को बढ़ा रहे हैं वो ऐड, और जो भी आपके फाइनेंस को पैसा जा रहा है वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज सबका ऐड करेंगे, फिर हम कैश ओपनिंग कैश बैलेंस लेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस के जितने भी आइटम्स होंगे इन सब को क्वेश्चन में दे रखे हैं वो सब ऐड करके आपका वही आंसर आएगा जो आपका क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा होगा। तो इस तरीके से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक हो जाता है कि सही है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि अमाउंट इन ब्रैकेट इंडिकेट नेगेटिव अमाउंट एंड अमाउंट आर इन डिडक्टेड। सेकंड है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं या अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैं लोन है वो अफेक्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंसिंग को, नॉट ऑपरेटिंग को। जितने भी इंक्रीज और डिक्रीज की बात होती है या अनपेड की बात होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के केस में या लोन के केस में, तो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे और उस वहीं पे अफेक्टेड होंगे, ऑपरेटिंग में उसका कोई रोल नहीं होता है।
अगर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है अनक्लेम्ड डिविडेंड, वो अफेक्ट किस पे करेंगे? फाइनेंसिंग में करेंगे, उसका ऑपरेटिंग में कोई अफेक्ट नहीं है। ऐसे इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर एक्यूरेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो वो भी अफेक्ट इन्वेस्टिंग को करेंगे, उसका ऑपरेटिंग में कोई अफेक्ट नहीं है। ये आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, अगर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, देन आपको कैश फ्लो चैप्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट डे इतना वक्त लर्न कर लीजिए, फिर हम इसका रिवीजन, इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका लर्न करिए अच्छे से, रिवाइज करिए एक बार, और क्वेरी के टाइम क्वेरी लेते हैं।